हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देख सकते हैं मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। क्या बनाने जा रही हूँ? बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बट मैं इस तरह से ना पहली बार या शायद दूसरी बार ही बना रही होंगी, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा ना मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बाकी ऐसे भी बहुत अच्छी बनती है, और वैसे तो सिंपल वाले तो बहुत अच्छी बनती है। देख सकते हैं यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने ना छोटे छोटे आलू ले लिए हैं कट करके, जिनको मैं फ्राई करूँगी। इनको मुझे ना क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। देख लीजिए एक बार, यहाँ मैं क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी अच्छे से। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि चुपकता है आलू। आलू की खासियत है कि वो चुपकता ही है, और इस बर्तन में तो कुछ ज़्यादा ही चुपक रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें ना हमें ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। देखिए हमारे जो आलू हैं वो एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, कैसे कट करनी, बट आलू इसी तरह से छोटे छोटे ही कट कीजिएगा तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर इस तरह से आप बनाते हैं ना तो आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन आलू बहुत कम लोग डालते होंगे, लेकिन मैं तो डालती हूँ। मुझे ऊपर से डाल के क्रिस्पीनेस जो होती है ना इसकी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देखिएगा, मैं यहाँ मैंने ना प्याज स्लाइस में कट कर रखी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। इसको भी थोड़ा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और आज ना मतलब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, खांसी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा वायरल सा लग रहा है। क्योंकि यहाँ रांची में ना मौसम ना बहुत ऊट पटांग सा लगता है मुझे। मौसम बहुत अच्छा होता है बट ऊट पटांग होता है। जैसे कि अभी धूप निकल रही है, 5-10 मिनट में देखोगे तो बारिश आने लग जाती है। तो ये ऊट पटांग मौसम जैसा ही लगता है मुझे, क्योंकि एकदम से कुछ पता ही नहीं, इंसान कहीं जाने भी वाला है ना तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे मौसम अच्छा है यहाँ का, गर्मी नहीं लगती है यहाँ पे इतनी, बट वैसे ऊटपटांग मौसम है यहाँ पे, कभी भी बारिश आ जाती है। थोड़ी सी भी गर्मी होगी ना तुरंत बारिश आ जाती है, यहाँ का यही है। और यहाँ देखिए, बातों बातों में हमने प्याज कलर मतलब प्याज पे जो कलर था वो आ चुका था, तो हमने टमाटर डाल दिए। यहाँ ये मैंने ना 2 टमाटर लिए थे जो लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। वैसे आप ना लंबे लंबे मत कट कीजिएगा, मैंने भी पहली बार ही लंबे लंबे कट किए थे, छोटे छोटे करिए वही अच्छे लगते हैं। क्योंकि वरना फिर इसका जो छिलका होता है ना, भुनने के बाद ना छिलका अलग हो जाता है, तो फिर वो मुंह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे टमाटर कट कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा मसाला जो नॉर्मल होता है वो भी डाला है। ये देखिए यहाँ हमने साथ में डाल दिया मैगी मसाला, मैगी मसाला डाल दिया है। और जो थोड़ा सा घर का मसाला होता है ना, नमक हल्दी वगैरह, नमक तो डाला ही था मुझे, बाकी हल्दी वगैरह की तो याद भी नहीं है, हो जाता है। वैसे मैं क्या करती हूँ, कभी डाल भी देती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ, क्योंकि ना मैंने ना बाद में मतलब चिली सॉस डाल के खाई थी, बहुत अच्छी लगी। चिली सॉस डाल के तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया, थोड़ा स्पाइसी था, मतलब चिली सॉस डाल के थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आ गया था, तो बहुत ही टेस्टी लगा। और इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये हमने जो मैगी थी वो बॉईल करके पहले ही रख ली थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या बनाने जा रही हूँ। हाँ जी, मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ, वो भी इस तरह से। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है बट अच्छी बनती है ऐसे भी। जिसको ड्राई पसंद है वो इस तरह से बना के खा सकता है, जिसको थोड़ी सी लिक्विड ही पसंद है, बहुत से लोग होते हैं ना उनको लिक्विड ही पसंद आती, मुझे तो खैर ड्राई पसंद है, तो मैं इस तरह से तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, ऐसे 1-2 बार कभी बनाई है। तो मैंने कहा आज बना रही थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती, क्योंकि हर बार एक जैसी बना बना के खा के भी ना बोर हो जाता है, मन से उतर जाती है चीज़। हाँ यहाँ शायद मैंने ना हल्दी नहीं डाली है, वरना थोड़ी सी, यहाँ देखी मैंने ना एक थोड़ा सा इसमें ना देसी घी ऐड किया है, जिससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। एक बार ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा देसी घी डाल के। आप इसको जैसे स्टार्टिंग में मैंने ऑयल डाला था ना, उस जगह भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने थोड़े से आलू इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, और बाकी जो आलू हैं हमारे वो मैंने ऊपर से डाले हैं। यहाँ देखिए मैंने ऊपर से डाले, यहाँ मैंने सर्व कर लिए, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, बहुत ही यम्मी बनी थी। यहाँ ये देखिए बस, अब ये हमारी नाइट की क्लिप है जिसमें हमने बनाया है कढ़ी। ये राजस्थानी कढ़ी है, आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये दिन की थोड़ी सी सब्जी बची हुई रखी थी वो थी, और साथ ही बन रही खिचड़ी, कढ़ी और खिचड़ी बना रही हूँ। और आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, कढ़ी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है, इसकी रेसिपी कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार ये वाली कढ़ी पी लेंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है, खिचड़ी के साथ में बहुत A1 लगती है। आप लोग खिचड़ी के साथ अगर कढ़ी
राजस्थानी लोग ज़रूर खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और चलिए, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आपको लगता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो अगर वीडियो में तो भी बता सकते हैं, कुछ ना पसंद आ रहा हो तो भी बता सकते हैं, कुछ पसंद आ रहा हो तो भी बता सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।